आज के इस एपिसोड में रामचरितमानस के ऐसे गूढ़ रहस्य बताए जाएंगे जो आज तक हम सभी से छुपाए गए थे। रामचरितमानस के इन गूढ़ रहस्यों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप इन नकली धर्मगुरुओं, कथावाचकों और प्रचारकों को कोसने पर मजबूर हो जाओगे कि इतना अद्भुत ज्ञान हमसे क्यों छुपाया गया। इस एपिसोड को देखने के बाद आप खुद कहोगे कि ये सब तथाकथित धर्मगुरु सनातन धर्म के नाशक हैं। दर्शकों, इस एपिसोड को देखने के बाद आपको सहज ही समझ आ जाएगा कि सनातनी पूजा के पतन के पीछे क्या राज छुपा है। अब आपको दिखाते हैं श्री रामचरितमानस से वह प्रमाण जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर भी कोई भगवान है। बालकांड में एक प्रकरण आता है जब मनु और सतरूपा परमात्मा को पाने के लिए तपस्या करने लगते हैं। आइए देखते हैं मनु और सतरूपा किस परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। ये है श्री रामचरितमानस से बालकांड का दोहा नंबर 143, जिसकी चौपाई नंबर 3 में लिखा है कि नेति नेति जेहि वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजहीम जासु अंसते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यानी यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। वेदों में जिसको पूर्ण परमात्मा बताया गया है, वो पूर्ण परमात्मा इतना समर्थ है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके अंश से आत्म रूप में प्रकट हुए हैं। यहाँ स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव पूर्ण परमात्मा नहीं है। जिसके अंश से ये तीनों देवता उत्पन्न होते हैं, वो पूर्ण परमात्मा है। रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी ईश्वर से ही उत्पन्न होने के कारण आत्मा अविनाशी है, यानी आत्मा कभी नहीं मरती। जिस परमेश्वर से जीव आत्मा उत्पन्न हुआ है, वह परमेश्वर अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से सुख की राशि है। लेकिन सब जीवों के शरीर नाश हो जाते हैं, जिसका समर्थन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 भी करता है। आत्मा को अविनाशी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आत्मा रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा व क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता तथा सर्व प्राणियों की उत्पत्ति उसी पूर्ण परमात्मा ने की है। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है कि अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, महेश उस सच्चिदानंद ब्रह्म से आत्मा रूप में उत्पन्न होते हैं। जिस परमात्मा से सभी प्राणी आत्मा रूप में उत्पन्न हुए हैं, उस परमात्मा को गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। उसी परमात्मा को तीनों लोकों में धारण पोषण करने वाला परमात्मा तथा वास्तव में अविनाशी परमेश्वर कहा गया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 में तथा गीता जी अध्याय 2 श्लोक 12 में तथा गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता यानी क्षर पुरुष ने अपने आप को नाशवान कहा है तथा स्वीकार किया है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हो जाता है कि क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञान दाता जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्थूल शरीर का पिता है, वो भी अविनाशी नहीं है, उसका शरीर भी नष्ट होता है। अब आपको गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से भी स्पष्ट करते हैं। इस श्लोक में कहा है कि दो पुरुष हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, तथा इनके अंतर्गत सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, यानी ये सब नष्ट होते हैं, परंतु आत्मा सबकी अविनाशी है। इसलिए ही रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी, यानी परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा का कभी नाश नहीं होता। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में पूर्ण परमात्मा को उत्तम पुरुष और अविनाशी इसलिए कहा गया है क्योंकि उत्तम पुरुष यानी पूर्ण परमात्मा का शरीर भी अविनाशी है। इस उत्तम पुरुष को परमात्मा भी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पूर्ण रूप से अविनाशी है, सब आत्माओं का स्वामी है, जिसका शरीर भी कभी नष्ट नहीं होता। इस उत्तम पुरुष के लोक में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ये किसी को दुख नहीं देता, सिर्फ सुख ही सुख देता है। इसलिए इसी परमात्मा को रामचरितमानस में सुख की राशि भी कहा है। जिस गीता ज्ञानदाता काल के लोक में हम रह रहे हैं, इस लोक के मालिक को परमात्मा नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस काल लोक में कोई सुखी नहीं है। इसलिए
पूरी गीता जी में गीता ज्ञान दाता ने अपने को कहीं भी परमात्मा नहीं कहा, केवल उस उत्तम पुरुष को ही परमात्मा तथा अविनाशी परमेश्वर कहा है। दर्शकों, गीता जी में अन्य स्थानों पर जहां भी परमात्मा शब्द से संबोधन किया गया है, वो इसी उत्तम पुरुष अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म के विषय में बोला गया है। अर्थात पूर्ण परमात्मा का शरीर कभी नष्ट नहीं होता, इसीलिए इस श्लोक में लिखा है कि वो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो वास्तव में अविनाशी है, उसी को परमात्मा कहा गया है। संत रामपाल जी महाराज सभी को आदि सनातनी भक्ति पर इसलिए दृढ़ कर रहे हैं ताकि हम सब आदि सनातनी भक्ति करके उस उत्तम पुरुष के अविनाशी लोक में चले जाएं, जहां जाने वाली सभी जीवात्माओं को भी अविनाशी शरीर प्राप्त होता है। अविनाशी शरीर होने के कारण उस शाश्वत लोक में पुनर्जन्म व मृत्यु नहीं होती, जहां जाने के बाद साधक लौटकर इस काल लोक में कभी वापस नहीं आते, इसी को पूर्ण मोक्ष कहा जाता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता इसी अविनाशी लोक की बात कर रहा है। यही वो शाश्वत यानी सदा रहने वाला स्थान सतलोक है। संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी भाग 3 स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर। इस पूरी वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप।